पी आई जे ई ओ एन एन पिग पिग हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है जिससे शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार किया जा सके। लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी से देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब भी एजुकेशन सिस्टम की बात होती है तो उदाहरण के तौर पर हम बोल देते हैं कि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यूरोप के देशों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है और जापान का एजुकेशन सिस्टम तो है ही बेस्ट। जापान का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाता बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। जापान में 12-13 साल के बच्चे भी नए नए आविष्कार कर देते हैं जो शायद हमारे देश में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवा ना कर पाए। वहीं भारत के एजुकेशन सिस्टम पर नजर डाली जाए तो उसके बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। मेट्रो सिटीज और प्राइवेट स्कूल्स को अगर हटा दिया जाए तो देश में ज्यादातर स्कूल्स को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है। गांव कस्बों के स्कूलों में बच्चे जा तो रहे हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार क्यों है और आखिर कैसे जापान ने अपने देश में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है, आज के इस वीडियो में और दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, दोनों देशों के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानने से पहले एक बार कुछ अन्य तथ्यों पर गौर कर लेते हैं। भारत में लिटरेसी रेट 77% के आसपास है और वहीं जापान में साक्षरता दर 99% से ज्यादा है, या फिर आप इसे 100% भी मान सकते हैं। जापान में लोग पढ़ाई की वैल्यू जानते हैं तो वहीं भारत में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके मुताबिक पढ़ाई लिखाई सब बेकार की चीजें हैं। अगर घर में बाप का बिजनेस है तो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक किसान का बेटा है तो खेती बाड़ी ही करनी है, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। इस तरह के ख्यालात वाले लोग आज भी इस देश में भरे पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना बोरिंग और टिपिकल है कि बच्चों का स्कूल जाने का मन ही नहीं करता। भारत में बच्चों की एवरेज अटेंडेंस 55% के आसपास है तो वहीं जापान में बच्चों की एवरेज अटेंडेंस 99% रहती है। भारत में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए कई स्कूलों और कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस का नियम लागू कर दिया गया है, लेकिन इससे भी कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। अब बच्चों का मोटिव सिर्फ अटेंडेंस पूरी करना रह गया है, ना कि स्कूल में जाकर कुछ नया सीखना। लेकिन जापान में एक क्लास में सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ही होते हैं जिससे टीचर हर एक बच्चे पर अच्छी तरह ध्यान दे पाता है। लेकिन वहीं भारत में एक क्लास में 50-60 बच्चे तो आम बात है। बहुत आबादी वाले इलाकों में यह संख्या 100 के आंकड़े को भी पार कर जाती है। एक क्लास में अगर 100 बच्चे होंगे तो टीचर किस तरह बच्चों पर अपना ध्यान दे पाएगा। ऐसे में गलती ना तो बच्चों की है और ना ही टीचर्स की। जापान में औसतन 22 बच्चों पर एक टीचर है तो वही हिंदुस्तान में 40 बच्चों पर एक टीचर मौजूद है। लेकिन ये आंकड़ा भी सिर्फ कागजी है क्योंकि कई ऐसे स्कूल है जहाँ टीचर का नाम तो दर्ज है लेकिन वो स्कूल जाते ही नहीं है। कितनी स्कूल में भर्तियाँ सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और उनकी सैलरी आ रही है। भ्रष्टाचार के कारण भारत में सही टीचर्स का आंकड़ा पता लगाना बहुत मुश्किल है। जापान में सिर्फ एक ही एजुकेशन बोर्ड है, यानी कि पूरे देश के बच्चे एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, फिर चाहे वो बच्चा किसी बड़े शहर का हो या फिर गांव का। जापान के बोर्ड का नाम MEXT है जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पूरे जापान में सब जगह सिर्फ एक ही कोर्स की किताबें मिलती हैं। तो वही भारत में दर्जनों एजुकेशन बोर्ड बने हुए हैं। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के अलावा भी सभी स्टेट्स ने अपने अलग अलग बोर्ड लागू किए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में UP बोर्ड, पंजाब में पंजाब बोर्ड, तमिलनाडु में मद्रास बोर्ड और हर राज्य में अलग अलग बोर्ड मिल जाएंगे। इन सभी बोर्ड्स का सिलेबस और किताबें अलग अलग होती हैं। कोई बोर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है तो कोई बहुत ज्यादा सरल। किसी बोर्ड में जो बात 8वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो वहीं अन्य बोर्ड में वही चीज 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। अलग अलग एजुकेशन बोर्ड के डिसबैलेंस के कारण किसी राज्य के बच्चे बहुत बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो कहीं पर बच्चों को ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम का अलग अलग बोर्ड में बटे होने के कारण भाषा की प्रॉब्लम भी बच्चों को झेलनी पड़ती है। सभी स्टेट्स अपने स्टूडेंट्स को उनकी रीजनल लैंग्वेज पर ही ज्यादा फोकस करने के लिए कहते हैं। वही जापान में जापानीज या इंग्लिश लैंग्वेज पर ही पूरा एजुकेशन सिस्टम आधारित है। हालांकि इसके अलावा रशियन, कोरियन और चाइनीज लैंग्वेजेस का ऑप्शन जापान में बच्चों के पास है, लेकिन उन्हें वो लैंग्वेज सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। हमारे देश में बच्चों को किताबी कीड़ा बनाने पर जोर दिया जाता है। टीचर्स बच्चों को यही सिखाता है, जो किताब में लिखा है वैसा ही याद करना। अगर आपने अपने हिसाब से कुछ भी लिखा तो बॉस नंबर काटे जाएंगे आपके।
हर साल ढेरों असाइनमेंट्स बच्चों से बनवाए जाते हैं जो साल खत्म होने के बाद रद्दी में बेचे जाते हैं और बच्चों की मेहनत, लाखों करोड़ों कागज और समय सब कुछ बर्बाद होता है और बदले में बच्चे इन सबसे कुछ भी नहीं सीख पाते। वहीं जापान में बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, बच्चों से एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं। इसके अलावा जापान के स्कूल्स में साफ सफाई पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे देश में बच्चे अपनी क्लासेस में बहुत गंदगी फैलाते हैं, रोटी, पेपर हो या पेंसिल का कूड़ा या फिर स्नैक्स के पैकेट, सब कुछ बच्चे बेंच के नीचे फेंक देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद सफाई वाला आएगा और इसे साफ करेगा। ऐसे में बच्चे कभी भी सफाई की अहमियत नहीं जान पाते। वहीं जापान के स्कूलों में बच्चों को खुद ही क्लास की सफाई करनी होती है। क्लासेस खत्म होने के बाद एक घंटा बच्चों को स्कूल में ही रुकना पड़ता है और सारे कॉरिडोर्स, क्लासरूम साफ करने होते हैं। हालांकि टॉयलेट साफ करने के लिए अलग से स्टाफ होता है, लेकिन कई बार बच्चों से पनिशमेंट के तौर पर टॉयलेट की भी सफाई करवाई जाती है। इसके अलावा हफ्ते में एक दिन सभी बच्चों को स्कूल का प्लेग्राउंड और आसपास के पार्क और सड़कों की सफाई भी करनी होती है। कई रिसर्च में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि बच्चों को स्कूल में शुरुआत के 5 साल जो चीजें सिखाई जाती है ना, या फिर जिस चीज की आदत उन्हें डाली जाती है, वो अपनी पूरी जिंदगी उसी को फॉलो करते हैं। जापान के स्कूल में शुरुआत के 3 साल बच्चों को लिखने पढ़ने से ज्यादा उन्हें अच्छे मैनर्स सिखाए जाते हैं। उन्हें एटिकेट्स के बारे में बताया जाता है, लोगों को किस तरह से ग्रीट करना है, किस तरह से मेहमानों का स्वागत करना है, पब्लिक के बीच में कैसे बात करनी है, इन सब चीजों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। वहीं भारत में स्कूल जाते ही बच्चों को पेंसिल पेपर पकड़ा दिया जाता है। जापान का एजुकेशन सिस्टम 6+3+3+4 के सिस्टम को फॉलो करता है, जिनमें 9 साल की शिक्षा देश के हर बच्चे के लिए अनिवार्य है। इनमें 6 साल एलिमेंट्री स्कूल, 3 साल जूनियर हाई स्कूल, 3 साल सेकेंडरी हाई स्कूल और 4 साल यूनिवर्सिटी के शामिल होते हैं। तो वही भारत में अब तक 4+6+2+3 के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था, जिसमें एलिमेंट्री स्कूल शामिल नहीं था। पहली से चौथी तक, पांचवी से दसवीं तक, उसके बाद 11वीं और 12वीं और 3 साल की ग्रेजुएशन। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में एलिमेंट्री स्कूल को अनिवार्य कर दिया गया है। अब भारत का एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा, जिनमें ग्रेजुएशन शामिल नहीं है। 3 साल प्रीलिमिनरी और फर्स्ट और सेकेंड क्लास को एलिमेंट्री में शामिल किया गया है। इसके बाद 5वीं क्लास तक 3 साल तक, 8वीं क्लास तक अन्य 3 साल और आखिरी के 4 साल यानी 9th से 12th तक की पढ़ाई शामिल है। इससे देश में एजुकेशन सिस्टम कितना सुधरेगा, इसका असर तो 5 से 10 साल बाद ही देखने को मिलेगा। एक समय तक भारत में शिक्षा के लिए सिर्फ गुरुकुल होते थे। अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाने के बाद यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की थी और आज भी भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम ही चल रहा है। अंग्रेजों ने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था उसके मुताबिक वो चाहते थे कि स्कूल में ऐसे बच्चे तैयार किए जा सकें जो आगे चलकर ब्रिटिशर्स की गुलामी कर सकें और उनके लिए काम कर सकें। आज भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। स्कूल में बच्चों को बचपन से ही इंजीनियर और डॉक्टर बनने पर जोर दिया जाता है। टीचर्स कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। शायद ही आज देश के किसी स्कूल में टीचर्स ये बात कहते होंगे कि आप खूब पढ़ो लिखो और अपनी कंपनी स्टार्ट करो, अपने अंदर नए आइडियाज लाओ। यहाँ पर बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप नहीं किया जाता। MBA करने के बाद 90% युवा ऐसे होते हैं जो एक टीम को लीड नहीं कर सकते, उन्हें ठीक से प्रेजेंटेशन देनी भी नहीं आती और इसी वजह से MBA की डिग्री हासिल करने के बाद भी 10-15 हजार की नौकरी में खुश रहना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जापान में कॉलेज पूरा होने के बाद कॉलेज लीडरशिप प्रोग्राम करना सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होता है। इसमें बच्चों के अंदर मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप की जाती है। स्टूडेंट चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना जाए, उसके अंदर अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स का होना जरूरी है, जो जापान की सरकार अच्छे से जानती है। जापान भारत से 9 गुना छोटा देश है, इसके बावजूद दोनों देशों में यूनिवर्सिटीज की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जापान में 780 के लगभग यूनिवर्सिटीज हैं, तो वही भारत में यूनिवर्सिटीज की संख्या 1000 के आसपास है। हालांकि स्कूलों के मामले में भारत जापान से काफी आगे है। जापान में लगभग 14,000 स्कूल्स हैं, तो वही भारत में 15 लाख के आसपास स्कूल्स हैं। इनमें से कई स्कूल बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर काबिल छात्रों का हक आरक्षण की भेंट चढ़ जाता है। कितने स्कूल ऐसे हैं जो विशेष समुदाय के लिए आरक्षित होते हैं। कई स्कूल्स में 40-50% सीट सिर्फ विशेष धर्म और जाति के लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाती है। एजुकेशन सिस्टम में आरक्षण का होना एक बहुत बड़ा लूप होल है। सरकार चाहे तो उस लूप होल का आसानी से दूर कर सकती है, लेकिन वोट बैंक के लालच में कोई भी सरकार पिछले 75 सालों में आरक्षण को समाप्त नहीं कर पाई है। आज अच्छे बड़े कॉलेजेस में प्रोफेसर की सैलरी सिर्फ 35 से 50 हजार के बीच है। वहीं बात करें जापान या अमेरिका की यूनिवर्सिटीज की, तो वहां पर 10 से 15 लाख रुपए महीना है प्रोफेसर की फीस। भारत के कितने ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स विदेश में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं।
अगर किसी को बेहतर अवसर मिलेगा तो वो जरूर वहाँ जाएगा। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम करे और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से डेवलप करने की ओर थोड़ा प्रयास करे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में भारत के एजुकेशन सिस्टम का बोलबाला होगा। दोस्तों, ये था भारत और जापान के एजुकेशन सिस्टम के बीच का अंतर। हमें नीचे कमेंट करके बताइए आज की वीडियो में आपको इन दोनों एजुकेशन सिस्टम की कौन सी बात सबसे अच्छी या बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।